हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुमीटर। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपके लिए प्रोनाउन का पार्ट टू लेके आऊँगा। तो मैंने आपको जो पिछला प्रोनाउन का पार्ट कराया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको प्रोनाउन के कई सारे टाइप कराए थे। कुछ टाइप रह गए थे जो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहले नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी तक हमने प्रोनाउन के 5 टाइप पढ़ लिए थे, अब बाकी कुछ टाइप बच गए थे। तो आज हम करते हैं प्रोनाउन का 6 टाइप जिसकी बात हो रही है, ठीक है, वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की और पोजेसिव की, ठीक है। सब्जेक्ट में जैसे क्या आता है, हम बात करते हैं विच, दैट एंड हु, ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इनका सब्जेक्ट के अगर लिए अगर आपको यूज़ करना है तो हम विच, दैट, हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बट अगर इनका यूज़ आपको एज अ ऑब्जेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो विच का आप विच ही रहेगा, ठीक है, दैट का दैट ही रहेगा, विच का विच रहेगा, दैट का दैट रहेगा, बट हु का चेंज हो जाएगा किसमें, हुम में। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम में। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है समझ नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देखें, उसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डीप में समझा रखा है वीडियो के स्टार्टिंग में। तो WHOM हुम। पोजेशन के लिए किसका यूज़ होगा, विच के लिए हम हुज का यूज़ करेंगे, दैट के लिए नहीं यूज़ होगा, ठीक है, और यहाँ भी हुज का यूज़ करेंगे। तो आप थोड़ा एग्जांपल देते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मैं बोला आई बॉट आ पेन, ठीक है, तो पेन की बात हो रही है, मैं सेकंड में लिखूंगा विच इज बेस्ट। मैं बोला आई बॉट अ पेन विच इज बेस्ट, तो पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर 3 चीज़ों से बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट 2 हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी 2 होते हैं, या नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है दोनों के प्रोनाउन में, कि यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्टिव केस का होगा और यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो जो सेकेंड सेंटेंस है, यहाँ पे बोला विच इज़ बेस्ट, ठीक है, तो विच क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, और कौन से केस का होगा, तो सब्जेक्ट में क्या होता है प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस का होता है, तो यहाँ पे हम विच की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह एग्जांपल लेंगे हम हु का, तो आई मेट विद अ पर्सन, ये पहला सेंटेंस हो गया। सेकेंड मैंने बोला हु वॉज रिच, आई मेट विद अ पर्सन हु वॉज रिच, ठीक है। तो हु हमने किसके लिए यूज़ किया, पर्सन के लिए, ठीक है, और पर्सन क्या यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इज हु वॉज रिच, तो हु क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, वॉज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और रिच क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो हु क्योंकि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, पर यहाँ हु क्या है, हु नाउन तो नहीं है, हु तो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कौन से केस का होगा, सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हु का यूज़ किया, हुम का यूज़ नहीं किया, ओके। तो इस तरह मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन बताया। इसके बाद प्रोनाउन के नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, नोट डाउन कर लें अगर आपने नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लें, ओके। अब आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 7th टाइप है प्रोनाउन का, ये ओके। इसमें किस तरह के वर्ड आते हैं,
ये बहुत डीपली समझना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर होती है बच्चों की, ठीक है, और ये हर जगह रिपीट होते हैं। इसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोज, एट्सेट्रा। दिस का यूज़ कब होता है? पहला, दिस का यूज़ हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमारे पास में होती है, नियर। पहला, नियर जो चीज़ें हमारे पास में होती हैं उनके लिए नियर का यूज़ करते हैं। दूसरा, ये सिंगुलर चीज़ों के लिए होता है। दैट का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो दूर होती हैं, फार। दूसरा, यह भी सिंगुलर के लिए होता है। दिस का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो हमारे नियर होती हैं, ठीक है, और साथ में, पर ये प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल के लिए। दोस का यूज़ उन चीज़ों के लिए होगा जो हमसे दूर होती हैं, फार, ठीक है, बट ये भी प्लूरल के लिए होता है। आज इनका तरह एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिस इज माई हाउस। मैंने बोला दिस इज माई हाउस, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने जब ये बोला तो मेरा घर मेरे पास में होगा, तो मैंने इशारा करके बोला होगा दिस इज़ माई हाउस, तो मतलब घर मेरे पास में होगा और घर एक सिंगल यूनिट है। मैंने घर बोला, हाउस बोला, हाउसेज नहीं बोला, तो इसलिए मैंने दिस का यूज़ किया। बट अगर घर जो है मेरे से दूर होता तो मैं क्या बोलता, जैसे कि अगला एग्जांपल लेते हैं डैट के लिए, जैसे कि दैट इज माई हाउस। अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने एक बहुत अच्छा घर देखा था किसी एरिया के अंदर, वो घर किसका है, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो घर आपका है तो आप बोलोगे दैट इज़ माई हाउस। क्यों? क्योंकि वो घर क्या है, एक तो सिंगल है, हाउस है, हाउस क्या है, सिंगुलर यूनिट है, हाउसेस तो है नहीं। दूसरा, वो दूर है, आपके पास में नहीं है। अगर घर आपके पास में होता तो आप बोलते यस दिस इज़ माई हाउस, बट क्योंकि घर जो है वो आपसे काफ़ी दूर है तो आप क्या बोलोगे? दैट इज़ माई हाउस, यस दैट इज़ माई हाउस। ऐसे अगर आपसे बोले कि गीता कोई स्कूल है दिल्ली के अंदर, ठीक है, और बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे कोई बच्चा टॉपर बना, बहुत अच्छा स्कूल है, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो स्कूल आपका है तो आप बोलोगे यस दैट इज़ माई स्कूल। क्यों? क्योंकि उस वक्त वह स्कूल आपके से काफ़ी दूर है, तो आप दैट वर्ड का यूज़ करोगे। ठीक, इस तरह ही दीस का और दोस का यूज़ बताऊँगा आपको। जैसे कि दीस का यूज़ कब होगा? जब चीज़ आपके पास में हो और प्लूरल हो, जैसे कि दीस आर माई बुक्स। अगर आपके पास में कैसे बुक रखी है तो आप क्या बोलोगे? दीज आर माई बुक्स। क्यों? पहली बात, जो बुक्स है वो प्लूरल है, हम किसी सिंगल बुक की बात नहीं कर रहे, कई सारी बुक की बात कर रहे हैं, तो बुक्स तो प्लूरल है। और सेकंड थिंग, जो दीज है किसके लिए होता है? नियर के लिए, तो बुक हमारे पास में है। बट अगर वो बुक्स आपसे बहुत दूर होती तो आप क्या बोलते? सपोज वो बुक आपके घर पर रखी हुई है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? और कोई आपसे पूछे घर पे किसकी बुक रखी थी, वो किसकी बुक थी, तो आप क्या बोलोगे? यस दोज आर माई बुक्स, मतलब वो बुक्स मेरी थी, ठीक है, क्योंकि दोज किसके लिए होता है? फार चीज़ों के लिए जो दूर होती है, और प्लूरल चीज़ों के लिए, तो दोज आर माई बुक्स। तो ये तो हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ओके। अब प्रोनाउन का लास्ट टाइप रह गया है, वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, उसको भी कवर कर लेते हैं, फिर आपका प्रोनाउन का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा बेसिक। उसके बाद हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं प्रोनाउन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब आता है लास्ट टाइप, वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसमें किस तरह के बढ़ाते हैं? इसमें भी हु, व्हाट, विच, इस तरह के वर्ड आएंगे। बट इसमें खासियत क्या होती है, इसमें ना सेंटेंस में आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हु का यूज़ आपको बताता हूँ, हु क्या है, जैसे कि बॉय है, मान लो उसका नाम है अमित, ठीक है, अमित बॉय का नाम है, ठीक है। अब आपसे कोई पर्सन मिलता है उसका नाम अमित है, तो अमित क्या है यहाँ पे? पहली बात तो अमित एक मेल है, ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अमित क्या है? एक सिंगुलर, सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन है, मेल हो गया अमित और सिंगल पर्सन है, ठीक है, ओके। तो अब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं।
अमित। किसने पूछा कि ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज अमित। पर पर्सन आपसे पूछेगा कैसे, वो आपसे पूछेगा हु इज दिस बॉय, वो क्या बोलेगा हु इज दिस बॉय, वो हु वर्ड का यूज़ करेगा, ठीक है। और हु का यूज़ आपको बता दूँ, ये सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी होता है, जैसे कि हु इज़ दिस बॉय या फिर हु आर दिस बॉयज, ठीक है। तो हु का यूज़ सिंगुलर के लिए भी होगा और प्लूरल के लिए भी होगा। ऐसे अगला वर्ड होता है वाट, तो वाट का यूज़ किसके लिए होगा, किसी वर्ड के लिए हो सकता है। इससे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाट इज दिस, ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे वाट इज दिस। तो उसके लिए हम वाट का यूज़ करते हैं कि वो क्या है। ऐसी विच, विच का यूज़ नॉर्मली कई सारी चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि विच विच इज बेस्ट पेन, जैसे कि कई सारे पेन थे तो आपने उनको देखा और उनमें से आपको लगा कई सारे पेन हैं, तो हमने अभी विच का यूज़ किया, ठीक है। और मैं कौन सा बेस्ट है, कह दो कई सारे पेन में से कौन सा बेस्ट है, तो उसके लिए विच का यूज़ करेंगे। विच इज़ दिस पेन, या फिर बोल सकते हो विच हाउस इज़ योर्स, आपका घर कौन सा है, तो इस तरह वर्ड के लिए हम विच का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपका हु हो गया, वाट हो गया और आपका विच हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आपके प्रोनाउन का बेसिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन होगा हम थोड़ी उसके डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मैं बोलूँ ही क्या है, तो आप क्या बोलोगे ही तो प्रोनाउन है, ठीक है। शी क्या है, शी भी प्रोनाउन है, लेकिन मैंने आपको प्रोनाउन के डेफिनेशन में ही बता दिया था कि प्रोनाउन को प्रोनाउन क्यों कहते हैं, जब वो किसी नाउन को रिप्लेस करे। और ही का यूज़ किसके लिए होता है, किसी लिविंग थिंग के लिए। अगर मैं सेंटेंस लिखूँ अमित इज अ बॉय, और लिखूँ मैं यहाँ पे ही इज अ गुड पर्सन, तो इस सेंटेंस में ही क्या है, ही प्रोनाउन होगा। क्यों होगा प्रोनाउन, क्योंकि ही अमित के लिए यूज होता है, यूज हो रहा है। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, और सेंटेंस लिखा मैंने ही इज अ प्रोनाउन, तो इस सेंटेंस में जो ही है वो क्या है, क्या होगा, ही इज़ अ प्रोनाउन। ही किसी पर्सन के लिए यूज़ नहीं हो रहा, हो रहा है क्या, जब ही वर्ड किसी पर्सन के लिए यूज़ होगा, क्योंकि ही लिविंग लोग के लिए होता है, ठीक है, पर्सन के लिए यूज़ होगा तो ये प्रोनाउन होगा। बट यहाँ पे ही इज़ अ प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन के पर्सन है, प्रोनाउन तो कोई पर्सन ही नहीं है, तो इस केस में ही क्या है, नाउन होगा, ठीक है। इस केस में ही क्या है, नाउन होगा। तो इस तरह सिर्फ वर्ड को देख के नहीं बता सकते कि वो नाउन है कि प्रोनाउन है, जब तक हमें उसका वर्ड का मीनिंग और रियल इसका यूज़ ना पता हो, तो पहले हमें इसका यूज़ पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं उस क्वेश्चन लिखूँगा कॉमन एरर के, जो एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं और बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि प्रोनाउन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अमित इज अ गुड बॉय, शी डज हर वर्क, ये पहला हो गया। सेकेंड, आई मेट with a girl, he was doing her work, third हो गया। She can do her work himself.
दिस पेन इज माई। तो ये फोर सेंटेंस हो गए। अब इनमें ज़रा कुछ कॉमन एरर देखते हैं जो गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि पहले में है अमित इज़ अ गुड बॉय, तो अमित क्या है, मेल है, पहली बात मेल है, दूसरा सिंगुलर है। तो मैंने बताया था कि मेल के लिए शी का नहीं ही का यूज़ होता है, तो इस सेंटेंस में गलती क्या है, शी का नहीं, यहाँ पे ही का यूज़ होगा। सेकेंड, आई मेट अप विद अ गर्ल ही वॉज डूइंग हर वर्क, तो गर्ल के लिए किसका यूज़ होता है, ही का नहीं शी का होता है, जो मैंने आपको भी बताया था। ओके, थर्ड सेंटेंस है शी कैन डू हर वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि शी के लिए हर सेल्फ यूज़ होता है ना कि हिमसेल्फ, तो यहाँ पे हिमसेल्फ तो बॉयज़ के लिए होता है, तो हिमसेल्फ नहीं हर सेल्फ आएगा, ठीक है। दिस पेन इज माई, मैंने बोलता पोजेशन के लिए, क्योंकि पेन क्या है, आपका है, तो आप पेन को पोजेस कर रहे हो, आप उसको ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे, मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ माई, तो माई का नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव होता था कि पॉजिटिव के लिए जब खुद करते हो तो माई की जगह माइंड का यूज होता है, सो दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो ये आपका एक रिविजन टेस्ट था क्वेश्चन का, अगर आपने चारों क्वेश्चन बिना गलती के कर लिए हो तो मतलब आपको आप प्रोनाउन का बेसिक क्लियर हो चुका है अब तक, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट में प्रोनाउन को कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हम अपनी ग्रामर की वीडियो में आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं, नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, और अब प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जो आपके ग्रामर के सारे पार्ट नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके लिए रेगुलरली क्वेश्चन आंसर लेकर करूँगा जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो में, ठीक है। नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, वहाँ पे कमेंट करें। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, थैंक यू।